नमो नुवे सौहरियंताणम नमो नुवे सौसुदानम नमो नुवे सौवायरियाणम नमो नुवे सौजायाणम नमो नुवे सौत्रिकावति श्रावणम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोऽ मंगलम कुंकुमारी उजेन्द्रमोऽ सुमंगलम नमः सुमतिस्थानाय स्वानुभूत्यास्ति स्वाय भवाय सर्वाणाम समय था 161 से 163 का था उसकी टीका एक शब्द है नहीं टीका है सम्यकत्व तो जो के मुख्य कारण स्वभाव है टीका 163 में टीका है बताओ करण छेल लिखा था नहीं कोई नहीं क्या कहते हैं सम्यकत्व जो है ये आत्मा शुद्ध परिपूर्ण अखंड आनंद उसकी सन्मुख होकर उसका ज्ञान होकर उसमें प्रतीति होना ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन एक पर्याय है, पर्याय रूप भाव है, यानी सम्यकत्व ये पर्याय है। त्रिकाली विनायक स्वरूप भगवान उसके अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन अनंत काल में नहीं हुआ ऐसा स्वभाव का अनुभव होकर प्रतीति होना उसका नाम सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन सम्यक तो जो के मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है, इस मोक्ष ना कारण रूप स्वभाव है। सम्यक दर्शन की पर्याय मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। उसे रोकने वाला मिथ्या है। इस सम्यक दर्शन को विरुद्ध सम्यक दर्शन की पर्याय जो मोक्ष का कारण है उससे विरुद्ध मिथ्यात् भाव दया दान व्रत भक्ति का परिणाम मैं धर्म मानना पर को मैं कुछ कर सकता हूं ऐसी मिथ्या श्रद्धा, ये मिथ्या श्रद्धा का स्थूलपना असंख्य है और सूक्ष्म अनंत है। ये मिथ्यात् भाव ये संकित रूपी भाव उससे विरुद्ध है। समझ में आया सम्यकत्व सम्यकपणा सत्यपणा ये पूर्ण सच स्वरूप प्रभु उसका अनुभव में प्रतीत होना और आत्मा का आत्मा रूपे परिणमन होना शुद्ध पुण्य पाप का विकल्प राग से भिन्न ऐसे जो सम्यक दर्शन है ये मोक्ष के कारण स्वभाव है। ये मोक्ष नाम आत्मा का पूर्ण आनंद रूपी लाभ वो मोक्ष और पूर्ण दुख से मुक्त होना और मोक्ष ये मोक्ष का सम्यक दर्शन कारण स्वभाव है। कारण रूप स्वभाव है। उससे विपरीत मिथ्यात् भाव उससे विपरीत है। मिथ्यात् भाव मार्थ के पुण्य ना दया दान व्रत भक्ति का भाव ये पुण्य है उसको धर्म माने और उसको धर्म का कारण माने तो ये मिथ्यात् भाव है।
ये मिथ्याद्भाव सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण स्वभाव उसमें विरुद्ध भाव है, उनमें दोष क्या है, उनमें दोष क्या है, मिथ्या दोष क्या है, अनंत संसार के कारण विपरीत मान्यता, श्रद्धा विपरीत, जैसा सत्य है ऐसी मान्यता न करके मैं पर का कुछ कर सकता हूँ और पर से मेरे में कोई नुकसान लाभ होता है और मेरे में जो दयादान व्रत आदि परिणाम होता है ये धर्म है न धर्म का कारण है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात् भाव संकित का मोक्ष का कारण स्वभाव से विपरीत है। जेनी बात है, हा एटलू तो कल भी गये, इतना तो कल आया था, हा तो आज हिंदी लोग आया छे। सम्यकत्व जो मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है उससे जो पर्यायी को कित स्वभाव क्या हो, संकित रूपी पर्याय जो है स्वाभाविक पर्याय है, शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्णानंद प्रभु उसका जिसा जैसा पूर्ण स्वरूप है ऐसा ज्ञान में आकर उसमें प्रतीति विश्वास रुचि दृष्टि होना ये सम्यकत्व, ये अनंत काल में अनंत काल से हुआ नहीं, ये सम्यकत्व जो के मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है पर्याय ने उसे रोकने वाला उसे विपरीत मिथ्यात है, वह स्वयं कर्म ही है। विपरीत मान्यता जो है उल्टी श्रद्धा जो है ये स्वयं कर्म है, ये कोई आत्मा की दिशा आत्मा है नहीं। जीणी बात से भाई, अनंत काल में सम्यक दर्शन मुनि व्रत धार अनंत बैर गिरवे को बजायो चढ़ावा नाथ है। मुनि व्रत लिया दिगंबर साधु अठावी मुर्गो पंचमाव्रत, पर मिथ्या दृष्टि रहा ये क्रिया कांड मेरी क्रिया है पंचमाव्रत परिणाम मेरे लाभदायक है, ऐसा जो मिथ्यात भाव इस सम्यक मोक्ष का कारण से विपरीत भाव है। हूँ आकड़ू तुम से स्वयं कर्म है ये आत्मा नहीं। मिथ्यात भाव विपरीत मान्यता धर्म ने अधर्म मानना अधर्म ने धर्म मानना अजीव को जीव मानना जीव को अजीव मानना पुण्य ने पाप का भाव जो मैल है उसको धर्म कारण मानना ऐसा जो मिथ्या भाव इस सम्यकत भाव जो मोक्ष का कारण स्वभाव उसे विपरीत भाव है। उसके उदय से उसके प्रकट होने से विपरीत प्रतीति प्रकट होने से कर्म नो उदय तो निमित्त है, उसके उदय से ही विपरीत श्रद्धा ना प्रकटपणा के कारण ही ज्ञान के मिथ्यादृष्टिपणा होता है। ज्ञान शब्द आत्मा, आत्मा को विपरीत श्रद्धा के कारण मिथ्यादृष्टिपणा होता है। ये तो बपोरे तो घणु आयु तू कल दोपहर को आया था न कल, पर की पर्याय अपनी पर्याय को द्रव्य करता है, अपनी पर्याय विकृत हो क्या विकृत उसको अपना द्रव्य से होता है, कर्म से विकार होता नहीं,
अने राग से सम्यक दर्शन होता नहीं, उसमें आया ही उसके ऐसा मानना कि कषाय की मंदता का भाव पुण्य उससे मेरे धर्म होगा, ऐसा जो मिथ्यात भाव इस सम्यक मोक्ष का कारण स्वभाव उसे विपरीत भाव है। हम से ज्ञान लगी तो आई आजकल, अरे ज्ञान 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 इतले अपना शुद्ध स्वरूप का स्वसंवेदन ज्ञान, अपना स्वरूप जी चैतन्य मूर्ति भगवान अनंत अनंत अतिंद्रिय पूर्ण गुण से भरा पड़ा प्रभु आत्मा, उसका ज्ञान पर्याय की बात है ना। ज्ञान जो के मोक्ष का कारण है, इस सम्यक ज्ञान जो तिकाली चैतन्य प्रभु उसका जो ज्ञान, त्रिकाली वस्तु तो ध्रुव है पर उसके आश्रय से जो सम्यक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान नहीं, पर का ज्ञान नहीं, ये ज्ञान आत्मा का ज्ञान, जी ज्ञान जो के मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। हा हा आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान त्रिकाली ज्ञान नहीं, यानी वर्तमान ज्ञान नहीं पर्याय, ये मोक्ष का कारण रूप स्वभाव से अज्ञान है, उससे विरुद्ध अज्ञान है। राग कोई जानना, दयादान का परिणाम कोई जानना, अपने को न जानना, ये अज्ञान भाव ये समय ज्ञान से विरुद्ध भाव है। इतराग मारंग बहु जीर्णो बापू सर्वविना परमात्मा जिनेश्वर देव महावीदेव मात बिराज है, सिमंदर भगवान क्या से बात आई, कुमकुंडाचार संबत 49 में प्रभु पासे गए थे, संबत 49 2000 वर्ष कुमकुंडाचार दिगंबर बचमा मुनि से ही ये यहां से आकर शास्त्र बनाया, तो इस शास्त्र में तो आ कहा कि सम्यक ज्ञान जो अपना सच चैतन्य स्वरूप का स्वसंवेदन ज्ञान, स्व स्व अपना वेदन का ज्ञान, ये ज्ञान मोक्ष का कारण स्वभाव है। ये ज्ञान से विपरीत राग ने पर्याय कोई जानना, न पर कोई जानना, न अपने को भूल जाना, ये पर को जानने में रुकना है या ज्ञान भावे। ये अपने का जानने का भाव जो है मोक्ष का कारण, उसको परमा एक किला जानने में रुक गया, ये अज्ञान ज्ञान से विरुद्ध भाव है। अरे आई बात समझ में आया, ज्ञान जो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का अर्थ कोई निमित्त का नहीं, राग का नहीं, पर्याय का नहीं, आत्मा जो भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप सच्चिदानंद सत शाश्वत ज्ञान ने आनंद आदि गुण का भंडार, ऐसा आत्मा का ज्ञान, ये ज्ञान मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। ये ज्ञान से विपरीत एकेला शुभ शुभ भाव अथवा परम ज्ञान को रोकना ये अज्ञान है। ये अज्ञान आत्मज्ञान जी मोक्ष का कारण है, उससे अज्ञान विपरीत भाव है। अभी बात पूछे हैं, ये ज्ञानंत वार भिड़ो अभेद दृष्टि करी रही, अभेद नु ज्ञान करू नहीं, त्या जोता है बदा सो
अज्ञान अनंत बार पीढ़ियों एक आचार में 18,000 पद और एक पद में 51 करोड़ जाजर श्लोक, ऐसा अज्ञान का भी अन्न बार पढ़िया। और पंच महाव्रत ने 5 संपी गुप्ती व्यवहार भी अनंत बैर किया, तो ये तो राखी क्रिया है। शास्त्र का ज्ञान ही तो पर का पर तो भी लक्ष्मण ज्ञान है। परमार लक्ष्मी रुकने से अपना जो आत्मज्ञान जो आत्मा का ज्ञान की पर्याय सम्यक जो मोक्ष का कारण है, ये परमे अकेला रुकना ज्ञान को ये अज्ञान ये ज्ञान स्वभाव से विरुद्ध भाव है। यानी आखिरी बात प्रभु मोक्ष नो मार्ग भगवान जिनेश्वर उसका अलौकिक बात है, ये कोई साधारण बात नहीं। अनंत काल में कभी क्या नहीं, अनंत में साधु हुआ दिगंबर, पर मिथ्या दृष्टि राग क्रिया है, राग की महावृत की आसर दुख है, उसको चरित्र माना, उसको धर्म माना। तो ऐसा जो आत्मज्ञान से विरुद्ध ज्ञान, ये अज्ञान आत्मज्ञान से विरुद्ध है। एकेला पर का ज्ञान अने अपना स्वरूप का ज्ञान से विरुद्ध है ये। जेनी बात से भाई धर्म वितराग जनेश्वर देव त्रिलोकनाथ उसकी बात अलौकिक है। ये ज्ञान इतनी त्रिकाली ज्ञान नहीं, त्रिकाली आत्मा का ज्ञान मुझे मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाला ज्ञान है। ये पर में रुक गया ज्ञान ये अज्ञान है। अपने को जानना था ऐसा जो ज्ञान, उससे अकेला पर में रुक गया ज्ञान ये अज्ञान है। ये अज्ञान ज्ञान मोक्ष का कारण से विपरीत भाव है। आई बात से आई तुम्हें भारती आ करो आ करो दया पालो व्रत करो, अभी तो बड़ी क्रिया रागनी से। रागनी क्रिया में धर्म मानना ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या श्रद्धा है। आई बात से भाई समझ में आया। मोक्ष का कारण स्वभाव है ज्ञान, इतने आत्मज्ञान आत्मा का ज्ञान भगवान स्वरूप प्रभु उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान ये मोक्ष का कारण पर्याय है, उससे विरुद्ध रोकने वाला नाम विरुद्ध। पर का ज्ञान में रुक गया तो अपना ज्ञान से विरुद्ध ज्ञान है, ये अज्ञान अपना सम्यक ज्ञान से विरुद्ध भाव है। भले ही किला शास्त्र का ज्ञान हो पर अपना ज्ञान से वो विरुद्ध है, परलक्षी ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, ये आत्मज्ञान नहीं। मार्ग बहु सूक्ष्म भाई, वह स्वयं कर्म है। क्या कहते हैं कि अपना स्वरूप का जो ज्ञान है पर्याय निर्मल ऐसी होनी चाहिए, ये सब छोड़कर एक ही लाभ पर का ज्ञान में रुक गया, ये ज्ञान कर्म है, खरेखर तो विकारी भाव है। ये आत्मा का ज्ञान नहीं, शाब्दिक ज्ञान शास्त्र का हो ये भी अज्ञान है। एक ही लाभ पर में रुक गया अने स्वका आत्मज्ञान है, उससे एक पर में रुक गया ज्ञान ये अपना ज्ञान से विपरीत अज्ञान है। तो ज्ञान को रोकने वाला अथवा ज्ञान से विरुद्ध
ये अज्ञान है। आओ ये बात लिया स्वयं कर्म ही है ये कार्य है, विकार बता अज्ञान पर को जानना ही सम कार्य है, कर्म ही है ये, आत्मा नहीं। उसके उदय से पर का अकेला ज्ञान में रुकने से, इसका उदय से प्रकट करने से अपना जो आत्मज्ञान है उसे विरुद्ध है। ज्ञान के अज्ञानीपना होता है, ज्ञान शब्द आत्मा को अज्ञानीपना होता है। भाषा कई जात नहीं, ग्रीक लेटर जो लगे नौ क्या यात्रा करो भक्ति करो आ करो ना करो एम धर्म आई कह सके धर्म एम मानना ने आत्मज्ञान से विरुद्ध भाव है ज्ञान है। बे बोल थिया तीजो चारित्र, तीजो को बोल चारित्र। चारित्र किसको कहते हैं कि अपना शुद्ध स्वरूप जो आनंद खंड प्रभु है उसमें लीन होना, रमनता करना, चरना रमना जमना पर्याय में हो चारित्र। आत्मा का गुण चारित्र है तो त्रिकाल है, पर ये चारित्र गुण में वर्तमान पर्याय को एक गुण में रमना आनंद में अतेंद्रिय आनंद का नाथ प्रभु उसमें रमना। रमना कब होता है कि जब उसका ज्ञान होता है, दृष्टि में उसका श्रद्धा में वस्तु आ गई हो तो उसमें रमणता होती है। ये उसमें जो रमणता होती है ये चारित्र, ये चारित्र जो है ये मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। आ चारित्रो पंचमावृत का परिणाम ये चारित्र नहीं, ये तो अचारित्र है। पण यहां जो चारित्र मोक्ष का कारण जो है ये अचारित्र भाव, ये चारित्र से विरुद्ध भाव है। ये पंचमावृत का परिणाम व्यवहार समिति गुप्ति का भाव, ये जो चारित्र जो आत्मा का चारित्र है जो मोक्ष का कारण स्वभाव है उसे विपरीत भाव है। अचारित्र है। पंचमावृत का परिणाम व्यवहार अट्ठाईस मूल गुण आदि ये सब अचारित्र है, ये चारित्र से विरुद्ध अचारित्र है, ये चारित्र का भाव से विरुद्ध भाव है। अत्यारे तो गड़बड़ गड़बड़ एवी चालीस बधी, क्या मूल तत्व जाखी वात ने फेरफार करी नाख्यो जगते, लोग ने नवराश न मळे अने माथे जे के जे हा जी हा करी ने आ तो सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा वितराग देव उसका कथन है। कुमकुंडाचार भगवान पासे गए थे संवत 49 2000 वर्ष पहले, 8 दिन रहकर आए थे यहाँ। कुमकुंडाचार दिगंबर संत जी आवे थे न, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुमकुंडारियो जैन धर्मोत्सव मंगलम, ये कुमकुंडाचार त्या गए थे भगवान पास बिराजते। भगवान भी समवसरण में महाविद्य में बिराजते हैं। 2000 वर्ष पहले गई थी कुमकुंडाचार, त्या थी आकर शास्त्र बनाया है। भाषा समझते न भैया, तो हिंदी वाद झीणी है भगवान, बहु झीणो तत्व है प्रभु। तेरी प्रभुता
भजन अनुपाय भक्त अपने पंडित जी नाय प्रभु मेरे तुम सब वाते पूरा प्रभु मेरे तुम सब वाते पूरा पर की आशक हाँ करत प्रीतम पर की आशक हाँ करे प्रीतम कई बातें तुम अधूरा प्रभु मेरे आहा सब बातें तुम पूरा अंदर भगवान आत्मा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद अनंत शांति अनंत स्वस्थता अनंत प्रभुता ऐसी अनंत शक्ति का भंडार भगवान आत्मा है पूर्णानंद प्रभु आत्मा है प्रभु मेरे तुम सब बातें पूरा भजन से पर की आश कहा करे प्रीतम अरे वाला प्रभु ये शुभ ना राग दयादान ने पर नी आशा राखी ने एना थी धर्म थी प्रभु तने शू थ क्या हुआ तेरे पर की आश कहा करे प्रीतम कई बातें तुम अधूरा प्रभु तुम कई बातें अधूरा पूर्णानंद है ना अंदर केम बैसे ये पूर्ण आनंद ने पूर्ण स्वभाव में रमना चरना रमना आनंद का भोजन करना अतेंद्रीय आनंद का वेदन करना ये चारित्र मोक्ष का कारण स्वभाव है। ये चारित्र से विरोध पंचमावृत का परिणाम आदि दयादान का परिणाम आदि राग ये चारित्र से विरुद्ध भाव है। समझाई से गाय चारित्र जो के मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है चारित्र इतने शुभ बापो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित आत्मा ना आनंद में रमना चरना जमना अतेंद्रिय आनंद का अनुभव वेदन करना ये चारित्र छठे गुण शांति चारित्र अंशे चौथे दिए सर्वपाचरण चारित्र सम्यक दर्शन से होता है। हा चारित्र सातवा नो लीधू सात में से नीचे आते हैं छठे विकल्प उठते हैं पंच महाव्रत का तो कहते हैं कि चारित्र से विपरीत भाव है। अरे रे सच बात हाँ भगवान मले नहीं परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव एमनो आ हुकम छे कि चारित्र जे छे तो मोक्षना कारण रूप स्वभाव से पर्याय ये वितरागी पर्याय है। चारित्र जो है ये आत्मा जिन स्वरूप है घट घट यंत्र जिन वसेन घट घट यंत्र जैन मत मदिरा के पान सो मत वाला समझेन घट घट यंत्र जिन वसे प्रभु जिन स्वरूपी तू छो भगवान एम कर आचार बोलावे छे। भगवान घट घट अंतर जिन स्वरूपी छो ने प्रभु तू पूर्ण जिन स्वरूपी स्वभाव जिन स्वरूप न हो तो वितराग जिन स्वरूप की पर्याय कहां से आएगी। समझ में आया तो तेरा स्वरूप जिन स्वरूप है उसमें रमना ये वितरागी चारित्र हुआ। ये अपने आयु क्यों सुने
परम वितराग चारित्र रूप सदुपय रूपी धर्म है तुम परम वितराग वितरागी चारित्र अरे बापू चारित्र क्या परम वितरागी चारित्र शुद्ध उपयोग दयादान व्रत ना परिणाम तो अशुद्ध उपयोग छे ये तो मैल छे आज ही शुद्ध उपयोग चारित्र रूप शुद्ध उपयोग ये धर्म में चारित्र है ये चारित्र से ये चारित्र मोक्ष का कारण स्वभाव है उससे विरोध जितना दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव आता है भाव ये सब अचारित्र है ये चारित्र से विरुद्ध भाव है चारित्र के मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है कारण रूप भाव है स्वभाव है पछी आम भाव के नीचे भावार्थ कारण रूप स्वभाव है उसे रोकने वाला भाव क्यों क्या बोली पर्याय से ना कोक मानी लेने का त्रिकाली स्वभाव है त्रिकाली स्वभाव तो शुद्ध ध्रुव त्रिकाली शुद्ध चैतन्य है ध्रुव इसमें रमना आनंद में रमना वो चारित्र पर्याय है ये चारित्र की पर्याय मोक्ष का कारण है आ चारित्र की पर्याय एना से पंच महाव्रत का परिणाम पांच समति गुप्ति का भाव व्यवहार ये चारित्र से विरुद्ध भाव है चारित्र से विरुद्ध भाव है उसको यहां चारित्र मानते हैं समझ में आया झीणी बात से बापू एनो मार्ग अलौकिक छे लौकिक हरी कई मेल खाए हम मिलान करी नहीं सके चारित्र जो के मोक्ष का कारण रूप भाव है स्वभाव है पर्याय छे ने एटले कोई एम मान्य नहीं का वाली स्वभाव त्रिकाली है उस रोकने वाला कषाय है कि पुण्य ने पापना भाव ये कषाय है चाहे तो दया का दान का व्रत का भक्ति का पांच भाव का ये कषाय भाव है राग है कषाय भाव है इस चारित्र जो आत्मा का चारित्र है जो शुद्ध वितरागी दशा शुद्ध उपयोग धर्म उससे आ राग ये विरुद्ध है कषाय उससे विरुद्ध है समझाई से झीणी बात आई भाई गाथा जेवी से त्या पहली तरण गाथा में एम आयु तो ऐसा आया था कि सम्यक संज्ञान चारित्र को घात करने वाला है मिथ्यात अवरत अथवा विकल्प ने परनो ज्ञान ये घात करवा बीजी गाथा में ऐसा आया कि पुण्य ने पाप भाव बंद स्वरूप ही है बंद स्वरूप ही है तो बंद का कारण है तरण गाथा में ऐसा आया कि जिया तेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तेरा स्वभाव जो निर्मल है पर्याय त्रिकाली स्वभाव के अनुभव दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो मोक्ष का कारण है उससे आ विपरीत राग विपरीत भाव है समकित से विपरीत विपरीत है सम्यक ज्ञान से पर का रुकना ज्ञान में यज्ञान विपरीत है स्वरूप का चारित्र जो मोक्ष का कारण है उसे कषाय विपरीत है चाहे तो शुभ राग हो पंचमावृत का पुनी चारित्र से विपरीत है आऊं से भगवान की वाणी आवी से कुंद कुंदा चाल गई थी त्या प्रभु पासे संवत 49 आ कुंद कुंदा चाल
ना टीका से अमृत सुंदर अच्छा एक हजार वर्ष पहले हुआ भगवान कुनकुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले हुआ ना टीका करने वाला अमृत चंद्र आचार्य 1000 वर्ष पहले हुआ उसकी टीका है। हा 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 समझ में आया। हाँ तो पूर्ण मंगलधारी देव नियम सार की टीका करने वाला हा बाजू पूर्ण मंगलधारी दिगंबर संत मुनि। हाँ 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 यहाँ कहते हैं कि चारित्र जो है ये तो मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। क्या किसको कहना चारित्र के चारित्र नाम चरणा रमना भगवान आत्मा का दर्शन हुआ है आत्मा का और ज्ञान हुआ है तो ज्ञान में जो जाननी चीज आई पूर्णानंद उसमें रमना लीन होना चरना अतेंद्रिय आनंद का स्वसंवेदन प्रचुर प्रकट करना उसका नाम चारित्र है। ये चारित्र मोक्ष का कारण कारण एनाथी आ दया दान व्रत भक्ति आदि ना परिणाम कषाय है राग है ते चारित्र से विरुद्ध है। उस रोकने वाला कसाय है। हाँ पर कसाय कहने के वो ये जी खबर मुझे ये पंच महाव्रत ना परिणाम है जाने तो जानकारी तो पंच कसाय है राग है विकल्प है। हाँ ये तो अंदर स्थिरता अंदर छे तरण कसाय ना भावनी ये भूमिका में व्यवहार हो एम करीने ने मोटा पुरुषे एम कही मोटा पुरुषे आगे मोटा मावर छे पण कौन अंदर भगवान आतेन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है उसका दर्शन ने ज्ञान ने चारित्र हुआ। समझ में आया। उसकी साथ में जो पंच महावर का विकल्प है ये व्यवहार उसमें वो स्थिरता की वखान प्रशंसा करने को महाव्रत को बड़ा क्या है। बाकी महाव्रत पंच महाव्रत है या भी दिशा आवशी हवे ना श्लोक आवशी कलश में है ना श्लोक कि भाई मिथ्या दृष्टि का यतिपणा जो है व्यवहार रत्न त्रय बंध का कारण है ने सम्यक दृष्टि का जो व्यवहार रत्न तरीका परिणाम है ये उसको मोक्ष का कारण है। हमें है कि सम्यक दृष्टि का शुभ भाव के उसमें मिथ्या दृष्टि का बंध का ही कारण है ना उसमें या शोक अवश्य है अशोक है ना ये 110वां श्लोक अवश्य जो उसमें है आमा कलश टीका अहीं कोई भ्रांति करशे कि मिथ्या दृष्टि का यतिपणा क्रियारूप पंच महाव्रत आदि क्रियारूप ये बंधनों कारण है सम्यक दृष्टि का जो यतिपणा पंच शुभ भाव पंच महाव्रत आदि ये शुभ क्रिया थी मोक्ष का कारण है एम कोई अज्ञानी मानते हैं तो कारण क्या आत्मा का अनुभव का ज्ञान अने दया व्रत तप संयम क्रिया बने बोली ने ज्ञानावली कर्म नो क्षय करे एम केटला अज्ञानी मानते हैं आवी प्रतीति केटला अज्ञानी जो करते हैं राजमल की टीका है कलश की ज्या समाधान आम छे जितली शुभ शुभ क्रिया चाहे तो हिंसा जुठून चोरी ना भाव चाहे तो दया दान व्रत संयम तिरना भाव व्रत तब संयम ना विकल्प दया दान बहिर्जल प्रूप विकल्प अंतर जल प्रूप द्रव्यो ना विचार रूप सूत सर्प विचार इत्यादि समस्त कर्मबंधनों कारण है। आवी क्रिया नो आवो स्वभाव है
सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि ना भेद तो कोई है नहीं, ये कर्तु तिथि तो बंधक है। शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र थे मोक्ष है। मोटू से लिखा आखा बे पाना भेजा आवे नो श्लोक आवशे ने 110 आवशे 109 आवशे ने पछी एक दो हम आवशे एम आई छे। चरित्र जो आत्मा का आनंद में रमना, अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर वेदन करना, प्रचुर वेदन अल्प वेदन तो संकीति को भी होता है, चौथे गुणस्थान है। पर मुनि सच्चा, जिसको मुनि सच्चा अपना होता है उसको अतीन्द्रिय आनंद प्रचुर होता है। अतीन्द्रिय आनंद जो अंदर स्वरूप में है कि पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्रचुर वेदन होता है, वो चरित्र है। ये चरित्र मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाला कषाय है। एनाथी विरुद्ध भाव तो पुण्य भाव है। ये चरित्र जो मोक्ष का कारण स्वभाव है उसे विरुद्ध भाव दयानंद दया दान व्रत आदि भाव ये सब कषाय है। वह तो सर्व स्वयं कर्म ही है, ये कषाय तो कर्म ही है, ये कि आत्मा नहीं। आकरों का मोह भाई कि दरकार क्या से एम एम जगत में ज्या जन्मो जी कई माथे बैठा ने कहूं हाथ पाने माने जाओ जिंदगी पूरी। चार गति में रखड़वू है बापू, 84 लाख योनि एक एक में अनंत बार अवतार किया मिथ्या श्रद्धा। मिथ्या ज्ञान ने मिथ्या चरित्र। ये यहां कहे कि चरित्र जो है स्वरूप चरना आनंद में रमना, ऐसी जो चरित्र की दशा है तो मोक्ष का कारण है। उसको विपरीत कषाय भावे, चाहे तो व्रत तप दम न दया दान ना विकल्प उठे है, ये चरित्र से विरुद्ध भाव है। ये कषाय है, यह तो स्वयं कर्म ही है, ये आत्मा नहीं है, तो स्वयं राग कर्म ही है। भाव कर्म उसके उदय से ही ज्ञान के अचारित्रपणा होता है। राग का उदय से ही प्रगटपणान से ही स्वरूप की वितराग चरित्र दशा उससे अचारित्रपणा होता है। आत्मा को ज्ञानित आत्मा लेना, उसके उदय से आत्मा के अचारित्रपणा होता है। चाहे तो लाख व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा ने अनंत बार करे, पर ये भाव राग है, ये चारित्र भाव से विपरीत भाव है, अचारित्र भाव है, कषाय भाव है, कर्म है, स्वयं कर्म है। उसके उदय से ऐसा कषाय का भाव के कारण ज्ञान नाम आत्मा के अचारित्रपण होता है। त्याग अज्ञान इतना ही आत्मा लेना। समझ में आया? इसलिए स्वयं मोक्ष के कारण का, स्वयं मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निर्मल निर्विकल्प अनुभव आदि, उसका कारण का तिरोधाय भाव स्वरूप, उसके विरुद्ध भाव स्वरूप, मोक्ष का कारण रूप स्वभाव से विरुद्ध भाव स्वरूप होने से ये कर्म का निषेध किया गया है कि ये क्रियाकांड का राग और धर्म नहीं, हम निषेध किया है। है कि नहीं अंदर? हमने
रात उगड़ी वार हाल साथ हो समय सार अठार बार तो पहले से पूरा उदय व्याख्यान हो गया है। अठार अठार उगड़ी वार चलते हैं आई तो 44 वर्ष हुआ जंगल में 44 वर्ष में पिस्तौल चलते हैं 45 वर्ष से आया था 90 वर्ष चलते हैं शरीर को शरीर को नहीं वो आत्मा को नहीं आत्मा तो अनाज हाँ आई तो 44 वर्ष से 18 वर्ष तो 18 बार तो वहां से लिया सभा में 19वीं बार चलती है व्याख्या भी हो गया है पुस्तक हो गया है 22-23 लाख तो पुस्तक हो गया है अभी पुस्तक मुंबई बहुत छपेगा 7 लाख रुपया भेगा क्या है क्या जन्म जयंती नेव वैशाख शुद्ध जी आ तो चौथ है 1 महीना में बेदी थी गया मुंबई 1-7 लाख निकल आए उसने उसमें से पुस्तक बनेगा व्याख्यान हा अरे आई बात संप्रदाय नो आग्रह हो इन्हें आत्मो लागे अरे रे आ शू क्या था तो बापू बदी खबर भाई भावार्थ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है सम्यक चारित्र मोक्ष के कारण रूप भाव है बोला स्वभाव कीधो तो ने ये देखो कि समझी न जाए कि तीखाड़ी है ये थी पंडित जी भाव लिखो माथे स्वभाव आयो था ने इन पास कोई तीखाड़ी न समझी जाए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये वर्तमान निर्मल पर्याय रूप भाव है मोक्ष का मार्ग जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ये वर्तमान शुद्ध निर्मल पर्याय रूप भाव है त्रिकाली भगवान ध्रुव है तो उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत तो उत्पाद में जो आप पर्याय हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ये तो पर्याय रूपी भाव है अने पर्याय सिवाय ध्रुव जो है ये तो त्रिकाली ध्रुव सब त्रिकाल वस्तु पड़ी है इसको स्वभाव स्वरूप स्वभाव का पिंड स्वभाव का गंज स्वभाव का आखा पोटला है ध्रुव अंदर ध्रुव है वो आते है ना तत्व सूत्र में उत्पाद वही युक्त ध्रुव युक्तम सत उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत तो आ चारित्र पर्याय है तो उत्पाद है वितरागी पर्याय उत्पन्न होती है ये मोक्ष का मार्ग है और ये पर्याय ध्रुव जो स्वरूप है उसके आश्रय से होता है ये चारित्र से विपरीत जो विकल्प उठते हैं राग चाहे तो बहु आयु था ना सूद नो विचार करे विकल्प ये पण बंधनों कारण है आमा बहु नहीं कर वाँचो ना मैं एमा बहु स्पष्ट कर मारे राज मले भावार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के कारण उस भाव है उनसे विपरीत मिथ्यातादि भाव है आ लेना है ना उससे मिथ्यात ज्ञान ने अचारित्र इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव थी वो तीन भाव विपरीत भाव है ये पहला कहवा यू बधु कर्म मिथ्यातादि भाव स्वरूप है ये कर्म जो मिथ्यातादि स्वरूप है ये आत्मा नहीं पुण्य पाप का भाव ये कर्म स्वरूप ही है इस प्रकार कर्म एटले विकारी भाव मोक्ष के कारण भूत भावों से मोक्ष के कारण रूप भाव से पर्याय से विपरीत भाव स्वरूप है हा आंखों का बहु
आई तो थोड़ा व्रत लियो तप्पा करो कथे गया ये कह भाई अमर सुन तो से प्रभु ये तो विकल्प राग है नहीं राग है इस मोक्ष का कारण स्वभाव भाव से विपरीत भाव है छेक नहीं अंदर ओंदगढ़ नहीं आ भगवान नाम के चित्रण लोक नाथ सिमंदर परमात्मा गणधरो ने इंद्रो ने वच्चे परमात्मा ने दीव धनिया आवी छे समझ में आया इस प्रकार कर्म मोक्ष के कारणभूत भावों से विपरीत भाव स्वरूप है पहले तीन गाथाओं में कहा था कि कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों का घातक है संकेत आदि का घातक है एम कहूं पहली तरण गाथा 57, 58, 59 157, 158 इतरण पची एक फाट एक एक बार ते अठा हाथ गाथा मा तीन गाथाओं में कहा था कि कर्म इतनी विकारी भाव ये मोक्ष के कारण रूप भावों का संकेत आदि का घातक है बाद के गाथा में ये कहा कि कर्म स्वयं बंध स्वरूप है 160 ये पुण्य पाप का भाव कर्म स्वरूप है आत्म स्वरूप है नहीं बंध स्वरूप है बंध का कारण रूप भाव ही बंध स्वरूप ही है पंच महावर्त आदि का परिणाम बंध स्वरूप है राग राग नाखे आती है और अंतिम तीन गाथाओं में आचाला जी कहा है कि कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों से विरोधी भाव स्वरूप है जो यू कर्म जो पुण्य पाप का भाव है वो मेरा है सब मिथ्या भाव पर का ज्ञान अज्ञान अनिराग द्वेष भाव ये त्रिणी मोक्ष के कारण उस भावों से विरोधी भाव स्वरूप है मोक्ष के ये कर्म जी भाव है विकारी ये मोक्ष के कारण उस भावों से विरोधी भाव स्वरूप है मिथ्यात्वादी स्वरूप है विरोधी भाव स्वरूप है इसलिए मिथ्यात्वादी स्वरूप है ये पुण्य पाप पुण्य परिणाम मैंने धर्म मानना ये मिथ्यात् भाव स्वरूप संयोग दर्शन से विपरीत भाव है और ये राग को जानना पर को जानने में रुकना ज्ञान को ये अज्ञान है पर प्रकाश रे किला ज्ञान ईश्वर का ज्ञान जो हुआ ये ज्ञान से ये भाव अज्ञान विरुद्ध है और स्वरूप की चारित्र दशा है उससे राग कषाय भाव विरुद्ध है इस प्रकार यह बताया कि कर्म मोक्ष के कारण का घातक है तृण गाथा बंध स्वरूप है 108 बंध का कारण स्वरूप है 162 मार्ग तो बापा तो अनंत अनंत काव 84 ना अवतार करता 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 द्रविलिंग इतनी बार धारण किया जैन दिगंबर साधु सम्यक दर्शन अनुभव बिना राग से भिन्न भगवान है उसकी सम्यक दर्शन बिना द्रविलिंग धारण करके इतनी बार द्रव धारण किया कि पीछे दरेक प्रदेश में अनंत बार जन्मे भाव पाव में आया द्रविलिंग धारण करके मुनि व्रत पंच महाव्रत धारण किया ये द्रविलिंग है ये वस्तु नहीं आत्मा नग्नपणा पंच महाव्रत एवं द्रविलिंग तो अनंत वैर धारण किया और अनंत वैर धारण किए पीछे भी दरेक प्रदेश में आत्मा का अलौकिक में अनंत बार जन्म मरण हुआ हा
इतनी बार पहले पण अनंत वार द्रविलिंग धारण किया, महाव्रत आदि अनंत वार लिया, पण उसमें वो धर्म माना अनि महाव्रत का परिणाम ये चारित्र माना। अने देवगुरु धर्म नी श्रद्धा ये राग है उसको समकिन माना। अने शास्त्र का ज्ञान ये ज्ञान पर निश्चय है उसको अपना ज्ञान माना। हा 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 जरी मगज ने केलवू पड़े हूं बाप, आ कई वार्ता नहीं, आ कई कथा नहीं, आ तो त्रिणलोक नाथ सर्वज्ञ भगवान नी वाणी है अत्यारे थी चालती ऊंधी से ऊंधी। हा हा लाडू में तुम्हारा तेरापंथी से तुलसी क्या ना सी लाडू ने खबर स्थानकवासी है तो तुलसी विपरीत मान्यता बड़ी विपरीत। आया खबर है ना लाडू तो आया दो बार आया ना। हाँ हाँ तुलसी आया था पर आएगा नहीं आया नहीं विपरीत मानता ने ए बदी क्रियाकांड में धर्म मानना अध्यात्म मानना है क्रिया करवी व्रत नहीं ये बधु अध्यात्म से। आए कहते हैं कि अध्यात्म नहीं तो कर्म है। वो आपको काम भाई भगवान अंदर सच्चिदानंद प्रभु अनंत गुण थी परिपूर्ण भरेलो प्रभु छे अंदर एवं अनंत आत्माओ छे परमात्मा सर्वज्ञ देव जिनेश्वर देवे तो एम कहू कि सब जीव जिन स्वरूपे छे अथवा सर्व जीव सिद्ध समान है नियम सार में है नियम सार कुंकुंदाचार कहू नियम सार मारे मारे नाट्य में बनाया है उसमें आया है नियम सार सर्व जीव सिद्ध समान है इस सिद्ध समान स्वरूप न हो तो सिद्ध पूर्ण पर्याय में ऐसे कहां से आएगा। अहिया तो राग नी क्रिया माने अने तेमारे धर्म हुआ मिथ्यात् हुआ है अने ये मिथ्यात् ना भाव में तो अनंता संसार नो गर्भ है गर्भ छे अनंता जन्मरणी उत्पत्ति नो एक गर्भ छे एमाथी उत्पत्ति थई छे। आ हा गाथा में कारण भाव से विरुद्ध भाव इस प्रकार ये बताया कर्म मुख्य कारण का घातक है तीन गाथा बंध स्वरूप है बंध का कारण इसलिए निषेध है अशुभ कर्म तो मोक्ष का कारण है ही नहीं हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना पाप ये तो पाप इकला है ये तो अशुभ कर्म है उसकी तो यहां बात है नहीं ये तो पाप है। अशुभ कर्म को मोक्ष का कारण है ही नहीं प्रचुर बाधक ही है ये तो विघन करने वाला है अशुभ भाव इसलिए निषेध ही है निषेध ही है परंतु शुभ कर्म भी कर्म सामान में आ जाता है शुभ परिणाम ये कर्म राग कर्म सामान में ये शुभ भाव आ गया। हा ये शुभ कर्म को क्या शुभ भाव को बदू चार बोला ये सामान में आ जाता है इसलिए वह भी बाधक ही है ये शुभ कर्म ने शुभ कार्य पर विघन करने वाला है। हूँ आकड़ पड़े नवराश मिले धंधा खोली बैठी छोकर नवरा एकाद कलाक बे कलाक मिले जहां मल्वा जाए त्या एवी बात करे तो समझाए ने क्या दया पड़वा व्रत करो अपा करो। हाँ ये कह रहे कि बधु करव करने जो विकल्प राग है तो विकार है ये आत्मा स्वभाव थी विरुद्ध भाव है भाई। आ
न्यू ऐसा समझना चाहिए। क्या किया है? कि अशुभ भाव जो है वो तो निषेध ही है, क्योंकि तो बाधक ही है, पर शुभ भाव भी शुभ शुभ कर्म का निषेध किया भाव का, तो उसमें शुभ भाव भी आ गया, इसमें यह भी बाधक ही है, शुभ भाव भी विघन करने वाला है, इसलिए निषेध है, ऐसा समझना चाहिए। कर्ष के विषय